एक अल्टीमेटम दिया है कि अगस्त तक अगर किसी गठबंधन में नहीं, मेरे अल्टीमेटम देने की औकात है क्या? मैंने आग्रह किया है कि लगातार एक व्यक्ति विपक्ष की भूमिका, और जनता चाहती है कि पप्पू यादव गठबंधन का हिस्सा हो, जो कोसी सीमांचल मिथिलांचल ये जो इलाका है, खासतौर पर कोसी सीमांचल, उनकी भावना है कि पप्पू यादव हिस्से से आए। अब जिंदगी और परिवार आंगन तक जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो लगातार सामाजिक सरोकार से लेकर अब पारिवारिक जीवन से लेकर के हर विषय सदन से सड़क तक संघर्ष किया हो, कांग्रेस के साथ लगातार मैं उस विचारधारा के साथ खड़ा रहा हूँ, तो अपेक्षा रहती है कि जो आप जैसे छोटे छोटे 38 दलों को उन्होंने, जिसका कोई वैल्यू, 19 दल हैं एनडीए में जिनके पास ना कोई सांसद है, ना कोई जमीन है, ना पगा है, 19 दल, लेकिन विपक्ष के साथ 26 दल बड़े नाम तो हैं, आप सबको जानते तो हैं। एनडीए में तो 19 दलों को आप जानते तक नहीं है कि कौन है, आपने एक कुनबा खड़ा कर लिया। भाई मैं तो गठबंधन से, महागठबंधन से यही उम्मीद और अपेक्षा रखूंगा ना। लगातार मैं लालू जी से भी मिला, नीतीश जी से भी मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि नीतीश जी तक बात पहुंची, कोई निर्णय नीतीश जी लालू जी को ही लेना है। मैं तो कई बार तेजस्वी जी से भी मिलने का प्रयास किया, और निश्चित तौर पर जब मैं चाहता हूँ, आज तो एक बड़ा नाम है, इंडिया इज लव, लव इज इंडिया, इंडिया इज गांधी, गांधी इज इंडिया, इंडिया इज सुभाष, इंडिया इज भगत, इंडिया इज फ्रीडम, इंडिया जीतेगा, इंडिया तो हमेशा विनर रहा है। लेकिन सवाल उठता है, मैं पहले भी और आज भी, मेरी जो राजनीति है वो एक ऊंचे डेमोक्रेसी की हो, एक संवैधानिक दायरे में रह करके भारत की जो संस्कृति है, तहजीब है, वो जिंदा रहे, भारत के इतिहास जिंदा रहे, भारत के मूल्य जिंदा रहे, भारत का रिश्ता जिंदा रहे, भारत का प्रेम जिंदा रहे, भारत की जो आर्थिक आज़ादी का सपना है वो जिंदा रहनी चाहिए, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, लगातार सड़क पर एसटीटी टीटी हो, एसएससी बीपीएससी यूपीएससी, कोरोना हो, बाढ़ हो, हर घटना हो, तो एक व्यक्ति लगातार, जब महागठबंधन पर कोई हमला होता है तो उसमें मैं सबसे बढ़ चढ़ के आगे ट्वीट से भी सब चीज़ पे रहता हूँ, या कोई ऐसी आम आदमी और कॉमन आदमी की ज़रूरत होती है तो वहाँ मैं बट नेचुरल हूँ कि सबसे पहले जा कर के कोशिश करता हूँ कि बिहार में किसी भी तरह का नफरत, किसी भी तरह के जाति उन्माद ना हो। तो मुझे समझ में नहीं आई कि भाई तो राजाओं को करना है, मैं तो बहुत रंग में मजदूर में एस्टिमेट, मैं इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मैं प्रयास ही कर सकता हूँ ना, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, काम मैं लगातार कर रहा हूँ, लगातार कोशिश सीमांचल बिहार के हिस्से में एक एक जगहों पर नेक टू नेक काम कर रहा हूँ, एक एक घर जा रहा हूँ, मैं एक एक घर जाऊँगा नवम्बर के पहले तक, एक एक घर कोशिश सीमांचल का जाऊँगा। 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मैं लगातार उस प्रयासरत में हूँ। अब मुझे क्या घाटा सौदा होगा ये तो जनता तय करेगी, जनता के कारण मैं चाहता हूँ कि गठबंधन हो, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता सर्वोच्च है, इसलिए ना पूरा घर द्वार छोड़ के अपनी लाइफ तक जनता के लिए देता हूँ। तो बहुत क्लियर है इस मामले में कि जो काम करे सुई क्या करे तलवार, आप शतरंज के प्यादा को अलग कर दीजिए तो खेल किश्ती मंत्री ये राजा को नहीं बचा सकता, दशमलव कोमा की भी वैल्यू है, हैपन की, रैपन की वैल्यू है, हटा दीजिए इंग्लिश सॉल्व नहीं होगा, मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगा, इंग्लिश का इंटरप्रटेशन खत्म हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे व्यक्ति को, दल को, या विचारधारे वाले लोगों को जिसकी अपनी जहाँ मजबूत ताकत है, जनता के बीच में उसकी पैंट है, जनता के लिए वो जीता है, हर उस व्यक्ति को आप
महागठबंधन में तवज्जो दीजिए ताकि हम लोग विनर हों। आज स्टेट का मामला नहीं है, आज नेशन का मामला है। आज 2024 में भारत को बचाने का मामला है, भारत की संस्कृति को बचाने का मामला है, भारत के आर्थिक आज़ादी का सवाल है, भारत के किसानों को बचाने का, महिलाओं को बचाने का, महंगाइयों से बचाने का। तो आप इस मुद्दे पर बात करेंगे तो नेक टू नेक चीज़ों पर बात होगी ना। स्टेट तो 2025 में चुनाव है, 2025 को देख करके अब कांग्रेस ने इतना बड़ा दिल, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने दिखाया ना कि ममता दीदी से लेकर अरविंद केजरीवाल जी एक व्यापक सोच, और कह भी दिया कि उन्होंने कि मैं मेरी बहुत दिलचस्पी प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। मैं भी एक इतनी बड़ी जो गठबंधन के लिए अलग अलग विचारधारा के लोग स्टेट के लड़ाई को अलग करके देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, तो बिहार में भी तो नीतीश जी, लालू जी या जो भी लोग हैं वो तय करेंगे ना कि कौन सा ऐसा गठबंधन है जो सीट पे चुनाव जीत सकता है। तो आज विनर की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने कहा कि राजद जदयू बिहार में एक गठबंधन के हिस्से हैं और नीतीश जी ने नेतृत्व का प्रयास किया है, तो मैं तो अपेक्षा रखूंगा ना, कांग्रेस से भी रख रहा हूँ कि कांग्रेस इस चीज़ में पहल करे, देखे कि क्या पप्पू यादव की नीड्स है या नहीं है। तो वो तो बहुत तय करेंगे, मैं तो इंतज़ार लगातार कर ही रहा हूँ ना। मैंने यही कहा कि अगस्त तक मैं चाहूँगा, नवंबर तक मैं अपनी तैयारी 4 से 5 सीटों की, 3 सीटों की निश्चित रूप से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगस्त तक तो इंतज़ार करूँगा है कि महागठबंधन जो मैं प्रयास कर रहा हूँ क्या मेरे प्रयास को वो स्वीकार करते हैं या नहीं। उसके बाद अगर बात नहीं बनती तो पप्पू यादव के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, मेरे पास जनता का ऑप्शन है, अब पूरा खुला है ऑप्शन हमेशा को। देखिए मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे तीसरी घट शक्ति, तो तीसरी शक्ति जब भी कभी चुनाव के वक्त बनती है वो विश्वसनीयता नहीं रह जाती है, जनता के बीच में उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, क्योंकि हम लंबे समय तक तीसरे फ्रंट को लेकर नहीं चल पाते, जबकि तीसरे फ्रंट में मायावती जी बहुत मजबूत है। AIMM भी जब नफरत के बाजार में BJP का जोर नहीं है तो AIM भी अपनी विचारधारा पर टिकी रहती है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब आप एक छोटी छोटी पार्टियों को साथ ले रहे हैं तो AIMM को भी कहीं जितनी उनकी हैसियत और औकात है उस पर आप बात करनी चाहिए आपको। तो आप नहीं बात करते हैं तो आप समझें, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, मैं आग्रह ही कर सकता हूँ। लेकिन तीसरी फ्रंट की गुंजाइश जनता के बीच बहुत कम होती है, इसको आप ऐसे समझें। अकेले चुनाव लड़ने का ऑप्शन है आपके पास? अब मैं देखिए जनता के को अकेला आप नहीं कह सकते, मैं इतना जानता हूँ जनता से ताकतवर कोई नहीं, और जनता के बीच मैं परछाई हूँ, उनका हिस्सा हूँ। तुलसी सूख भी जाए, तुलसी जिंदा रहे तब भी पानी चढ़ती है, तो इसीलिए आज कोसी सीमांचल के लोगों एक एक चीज़ देख रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ कि नहीं बिना MP MLA के, और जो लोगों की जिम्मेदारी थी उसका क्या हस्त रहा 5 साल। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, आगे जो वक्त तय करेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। अकेले चुनाव लड़ने का ऑप्शन आपने? मैंने कहा मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं पूजा करने तो आया नहीं हूँ, जनता से पूछकर सितंबर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जनता जो तय कर देगी ना, जो कहेगी, अभी तक जनता के कारण ही महागठबंधन के साथ मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास जिंदा है, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा विचारधाराओं के साथ खड़ा रहा हूँ। आगे फिर जनता ही तय करेगी कि पप्पू यादव को क्या करना है।